एक साथ बारिश सी आ गई है एक्चुअली। ये शायद सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा लेखक पैदा कर दिए हैं और बहुत सारे लेखक अब लेखक की श्रेणियाँ हो गई हैं। आप किस लिए लिख रहे हो? आप लिखना चाहते थे, समाज को कोई संदेश देना चाहते थे इसलिए लिख रहे हो, या सुबह कोई घटना देखी और दो घंटे बाद एक लघु कथा लिख दी आप इसलिए लिख रहे हो, और चांसली आपका बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल है और वो कहीं किसी वेब पोर्टल पे प्रकाशित भी हो गई, तो उसके बाद तो ये हो गया कि यदि आपको 100 लाइक मिल गए तो वो लघु कथा अच्छी है या नहीं है, या वो लघु कथा के मायने पर खरी उतरती भी है या नहीं, या लघु कथा या कविता की भी बात की जाए, वो सब छोड़कर प्रसिद्धि एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई और खुद को लेखक कहना बहुत बड़ा शौक हो गया है। एक चीज़ इस बात को स्थापित करने से पहले एक बात बताना चाहूँगी। पुराने ज़माने में लता मंगेशकर और मुकेश के ज़माने में 100 गाने बनते थे, उसमें से 98 गाने फेमस होते थे। गानों पे बेहिसाब मेहनत होती थी, एक एक महीना रियाज की जाती थी, ऑडियो और इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कितना काम किया जाता है हम सब जानते हैं, और वो गाने आज भी यदि कहीं दूर भी बच जाएं तो हम सबको बहुत ज़्यादा मोहित करते हैं। आज की बात कही जाए तो आज 10,000 लेखक हो गए हैं, मगर आज भी 10,000 में से मुझे लगता है 98 ही अच्छे लेखक जो समर्पित हैं, जो इस कला को समझते हैं, जिनमें समर्पण है, जिनमें धैर्य है, जिनमें अपने लिखे को जांचने की ताकत है, सुधारने की समझ है, और नाम से ज़्यादा काम को महत्व देते हैं, क्योंकि नाम के पीछे बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं कि आपका नाम क्यों हुआ, तो जो नाम से ज़्यादा काम को महत्व देते हैं वैसे महिला साहित्यकार आज हैं, और वक्त की दीवार पर उन्हीं का नाम लिखा जाता है जो शिद्दत से काम करते हैं, और ऐसी महिला साहित्यकार कल भी थी, आज भी है और आगे भी मिलेगी। बस आज एक चीज़ हो गई है कि वो 10,000 महिलाओं का बादल बहुत गहरा हो गया, भीड़ बहुत हो गई है, उस भीड़ में से अच्छे और बुरे को समझने में हमें 2-4-6 महीने लग जाते हैं, क्योंकि लंबी रेस का घोड़ा ही जीतता है, चलता वही है जिसमें ताकत होती है, बाकी सब हार जाते हैं। जो सुबह घटना देखते हैं और शाम को लिखते हैं वो 4-6 महीने से ज़्यादा लिख नहीं पाते, फिर वो किसी दूसरी विधा में चले जाते हैं। तो महिला साहित्यकार कृष्णा सोबती कहें, चित्रा मुटकल कहें, या आज हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि आज घमासान और वामा ने हमें मौका दिया इस समय के श्रेष्ठ साहित्यकारों से मिलने का, और एक बहुत अच्छा मौका होता है साहित्य सम्मेलन, हमें आत्ममुग्धता से दूर करता है, मैं कितनी अच्छी, मैं कैसा लिख रही, इससे बड़ी चीज़ ये होती है कि मैं जरा आँख उठा के ये भी देखूं कि कौन कैसा लिख रहा है, कौन कितना अच्छा लिख रहा है, मैं अपने दायरे, मैं खुद को छोटा और बाहर की दुनिया को यदि बड़ा करूंगी, मेरे दायरे जितने विस्तृत होंगे, मेरे दायरों में जितना दूसरों का ज्ञान आएगा, मेरा लेखन उतना बढ़िया, और उसके लिए ऐसे साहित्य सम्मेलन अच्छे होते हैं, और हर महिला या हर लेखक अगर वो चाहे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। नहीं, आपने जो कहा ना कि एकदम से बाढ़ सी आ गई है, तो अब सवाल ये है कि क्या इससे साहित्य, हिंदी साहित्य समृद्ध हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। साहित्य को समृद्ध, वही मैंने कहा, साहित्य को समृद्ध वो 98 महिलाएं ही करेंगी जो शिद्दत से काम कर रही हैं। ये तो पानी के बुलबुले हैं, या ये मशरूम्स हैं, या ये वक्त के साथ उगने वाले कीड़े या पौधे हैं जो उगेंगे, शायद बहुत सारी शाबाशी ले जाए, हो सकता है चित्रा मुद्गल से ज़्यादा शाबाशी ले जाए, मगर उनकी उम्र नहीं होगी। उम्र तो उसी की होगी जिसके लिखने में क्वालिटी होगी। वो प्रेमचंद के समय भी था, और मैं कहती हूँ कि वो आज भी है और आगे भी रहेगा, अच्छा ही टिकेगा। धन्यवाद, थैंक यू। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।